जबलपुर से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी ने दाखिल किया है अपना नामांकन। डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भरा है पर्चा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा यहां पर खुद मौजूद रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भरा है पर्चा और उस वक्त वहां पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे। जबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी है मेयर पद के डॉक्टर जितेंद्र जामदार, जिन्होंने पर्चा दाखिल किया है, जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है अपना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यहां भी पहुंचे और यहां पर भी पहुंचकर नॉमिनेशन फाइल करवाया डॉक्टर जितेंद्र जामदार का। तो इस वक्त ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी ने दाखिल किया है नामांकन। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और ऐसे में जबलपुर से ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और ये नामांकन डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में और साथ ही साथ वीडी शर्मा की मौजूदगी में फाइल किया है। तो डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भरा है पर्चा और यहां पर भी एक बड़ी जनसभा हुई, एक रैली निकाली गई। शक्ति प्रदर्शन यहां पर भी बीजेपी की तरफ से किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने पर्चा भरा है, आज नॉमिनेशन फाइल किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की इन चुनावों में जीत की बात कर रहे हैं। वीडी शर्मा खुद यहां पर मौजूद थे और न सिर्फ वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बल्कि तमाम और नेता भी यहां पर मौजूद थे। भारी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता भी देखे गए हैं, जो कि लगातार इसी विश्वास के साथ वहां पर बने हुए हैं कि ये शहर हमारा है और इस शहर को हम अपनी तरह से बनाएंगे, अपनी तरह से सजाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र पर इन्होंने विश्वास जताया है, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए। उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन, जबलपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर आज नामांकन दाखिल करते हुए डॉक्टर जितेंद्र जामदार मुख्यमंत्री की मौजूदगी में और वीडी शर्मा की मौजूदगी में। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताना चाह रहे हैं। जबलपुर में बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। महापौर पद के प्रत्याशी हैं जितेंद्र जामदार, जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। ऐसे में आप देखिए, अब चुनाव सिर पर है, नामांकन दाखिल किया जा रहा है। आज आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का। अपनी तरफ से पूरा सियासी दमखम लगाने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। हालांकि छिटपुट खबरें भी आ रही हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी किसी ना किसी कार्यकर्ता में है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि जीत तो भारतीय जनता पार्टी की ही होगी इस बार मेयर पद के चुनाव में। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बात भी की गई है कि ऐसा ना हो कि यहां से कोई मेयर पद ना जीते, जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होनी चाहिए। जबलपुर में नगर निगम चुनाव में बीजेपी महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हमने आपको बताया, बीजेपी के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार से खास बातचीत हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने की है। नगर निगम चुनाव में जबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भी आज नामांकन फॉर्म भर दिया है। हमारे साथ इस समय डॉक्टर जितेंद्र जामदार हैं। सर, आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब तक दस्तावेजीकरण हो रहा था, लेकिन अब मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार करना। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय विश्वदत्त शर्मा जी को, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, कि उन्होंने इतने अपने व्यस्ततम समय में से, हम कल्पना कर सकते हैं कि इस समय 16 नगर निकाय हैं और बाकी सब ग्रामीण क्षेत्र के पंचायतों के चुनाव, इन सब के कारण वहाँ कितनी व्यस्तता होगी इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, पर इन सब के साथ में उन्होंने समय निकाला जबलपुर के लिए। अब स्वाभाविक है कि बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, उनका एक इंदौर का भी कार्यक्रम था, तो यहाँ आने में थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, परंतु फिर भी यहाँ पर वो आएंगे और अभी सभा को संबोधित करेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे, तो मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बड़ी चुनौती होगी आपके सामने, लगातार जो बीजेपी का विजय रथ चला आ रहा है जबलपुर के नगर निगम सत्ता पर, कितना कायम रख पाने की चुनौती है ये विजय रथ चलता ही रहेगा।
और इस बार भी चलेगा और अगली बार भी चलेगा। उसका कारण ये है कि हमारी पार्टी की विशेषता है कि चुनाव जो है वो पार्टी लड़ती है, प्रत्याशी नहीं लड़ता। और हमारी पार्टी में हम देख रहे हैं कि इतने समर्पित कार्यकर्ता हैं। आज दोपहर को जब पहली सूचना थी तो हम लोगों को बताया गया था कि 12 बजे से सीएम साहब का कार्यक्रम, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को 11 बजे की सूचना दी। आप देखिए 11 बजे से लेकर के भरी धूप में अब 3 बज गया है, उनको मालूम है कि 1 घंटा और लगना है, उसके बाद भी यहाँ पर हजारों लोग खड़े हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये भारतीय जनता की लोकप्रियता। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा सर पूरे चुनाव में? हम कहें विकास, पूरे चुनाव का मुख्य मुद्दा है विकास, और जबलपुर के विकास के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है, हमारी चार इंजन की सरकार है और हम विकास को पंख लगाने वाले हैं। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर ही हमारे साथ थे बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार, जिनका कहना है कि विकास उनका प्रमुख मुद्दा रहेगा। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर।